ये इम्पॉर्टेंट कन्फ्यूज़न है साइंस वालों के लिए, क्लैरिटी कर दें। एक कन्फ्यूज़न, रियली कन्फ्यूज़न है, जब हम प्रॉस्पेक्टस जो है बीएड एंट्रेंस टेस्ट का वो कंपेयर करते हैं, जो जॉब निकली है वो कंपेयर करते हैं, जॉब भी एक तो 2015 में है जो उसके बाद है, पहले कौन सी सरकार ने निकाली, दूसरी कांग्रेस ने निकाली, तीसरी आम आदमी पार्टी निकालेगी, तो क्राइटेरिया सेम नहीं रहते, चेंज होते रहते हैं। दैट इज वाई कन्फ्यूजन है। जिनसे आपने पूछा है वो पता नहीं कैसे कहाँ से सिलेक्ट हुए हैं, पर वो भी गलत नहीं है, वो भी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन ये जब क्राइटेरिया कोई गवर्नमेंट अप डेट ऊपर ले जा सकती है, तो आपको मैक्सिमम अप वाली क्वालिफिकेशन ले लेनी चाहिए। अदरवाइज आप जैसे वो आपको गाइड कर रहे हैं, रीजनल सेंटर बठिंडा वाले टीचर, होर टीचर जो बीएससी विद मैथ फिजिक्स कंप्यूटर है ना, तो ये बात यहाँ पर ठहराव है। मैथ फिजिक्स ठीक है, गुड, ओके, ये मैं प्रूफ भी दिखा देता हूँ, वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि मैथ फिजिक्स, लेकिन साथ में कंप्यूटर है, तो ये बीएससी कंप्यूटर साइंस मेरे ख्याल में हुई। जब एडवर्टाइजमेंट निकलेगी का तो मुझे पता ही नहीं है। बीएससी जब नॉन मेडिकल होगी एक, और एक बीएससी मेडिकल होगी, है ना, तो ये बीएससी कंप्यूटर साइंस नहीं लिखी, नॉन मेडिकल में ये लिखा है कि दो सब्जेक्ट पढ़े हो, मैथ फिजिक्स और जो केमिस्ट्री है, तो वहां वो टीचर आपके बिल्कुल ठीक है कि मैथ और फिजिक्स तो बन गई ना, तो लेकिन जब एडवर्टाइजमेंट है उसमें आपकी बीएससी वो नहीं लिखी हुई। दैट इज वाई ये कोर्ट केस या कंफ्यूजन या उलझन बन सकती है, ये चैलेंज हो सकता है। लेकिन सबसे पहले तो ये है कि क्या आपको फिजिक्स अकेली के साथ साइंस मिल जाएगी। प्रॉस्पेक्टस में ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ, मैं कुछ अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कहूंगा, मैं प्रॉस्पेक्टस में जहां डॉक्यूमेंट जो है उसमें कहीं नहीं लिखा हुआ कि फिजिक्स के साथ साइंस मिल रही है। अच्छा, प्राइवेट कॉलेज ने आपको साइंस फिजिक्स के साथ, प्राइवेट कॉलेज ने आपको फिजिक्स के साथ साइंस दे भी दी, ऐसे केस होते हैं, क्योंकि वेरिफिकेशन कॉलेजेस ने करनी होती है, और जो रिमोट में जो थोड़े मनी माइंडेड कॉलेज हैं कि हमारी सीट फिल हो जानी चाहिए, वो ऐसा कर लेते हैं कि और यूनिवर्सिटी के वेरिफिकेशन भी लगभग निकल जाती है, 1-2% कैसे ऐसे भी होते हैं। चलो मान लीजिए ये आपको मिल गई, अगर ये मिल गई आपका ऐसे सर रहा है तो ये बेस्ट है। मैं यहाँ आपको डॉक्यूमेंट दिखा देता हूँ, उसके बाद आप मतलब जैसे आपको तसल्ली होती है वैसा ही आप कीजिए। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि डिसीजन लेना डिफिकल्ट है, डॉक्यूमेंट दिखाऊंगा तो डिफिकल्ट और बढ़ जाएगी। अच्छा, ये हो गया है जॉब साइंस, क्या कह रहे हैं करके लगे हैं जॉब साइंस की, वो बोल रहे हैं कि साइंस मैथ कॉम्बिनेशन लेके कोई एडिशनल नहीं देना पड़ता। यहाँ आप लिख रहे हो कि साइंस मैथ कॉम्बिनेशन लेके, इट मीन्स आप बीएड की बात कर रहे हो, जब बीएड के लिए आप साइंस मैथ ले ही लिया तो फिर तो एडिशनल क्या देना पड़ेगा, फिर एडिशनल ग्रेजुएशन का देना पड़ेगा ना, अगर देना पड़ेगा वो भी हम अब नलीफाई कर रहे हैं, तो ये बात ही नहीं बन रही कि साइंस मैथ कॉम्बिनेशन लेके कोई एडिशनल नहीं देना पड़ता, कोई भी नहीं देना पड़ेगा, साइंस ले ली है। अगर फिजिकल साइंस ली थी, आपने साइंस के लिए एलिजिबल बनना है, फिर साइंस का बीएड का एडिशनल आप दोगे। मुझे पुराना कॉन्टेक्स्ट आपका याद नहीं है कि आप किस कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहे हो, मैं इसी को इंटरप्रेट कर रहा हूँ, तो एडिशनल नहीं देना पड़ेगा। सो सर हम कन्फ्यूज हैं, कन्फ्यूज नहीं होना आप, अगर आपको साइंस और मैथ मिल रहे हैं, ये बेस्ट सब्जेक्ट बन रहे हैं, टीजीटी के लिए बन रहे हैं, एक ही बात है ना कि गवर्नमेंट जॉब के लिए, अभी टीईटी तो क्लियर करो ना, उसके बाद हम देख सकते हैं। ये तो प्रॉस्पेक्टस में लिखा नहीं है कि दो साइंसेज चाहिए या एक साइंस चाहिए, प्रॉस्पेक्टस में सिर्फ इतना लिखा है कि एमएससी अगर कोई ये वाली की है, लिस्ट दिखाई है उसमें वो की हुई है, तो आप साइंस दे सकते हो। अब जॉब के वक्त एमएससी को क्राइटेरिया बनाया जाता है या नहीं बनाया जाता, ये डिफरेंट बात है, ये एडवर्टाइजमेंट है, ये आपके लिए पॉजिटिव खबर है। ये 2022 की जो कांग्रेस ने निकाली थी, क्योंकि वो जनगण वो योजना थी, आप ध्यान से देखिए कि 45% कर देगी, 40% एलिजिबिलिटी कर देगी, ये 55% थी, 10% रिड्यूस क्यों कर दिए गए, ये पॉपुलेशन मैक्सिमम अप्लाई करे और हमें पॉजिटिव कंसीडर करे और वोट वोट बने, ये तो क्लियर है ना आपको।
तो ये गवर्नमेंट अपने लिए अप्स एंड डाउन ला सकती है, चेंज कर सकती है। तो अब जब ये वाला रूल चेंज नहीं हुआ, ये इन्होंने एक या दो साल के लिए किया था, वो पीरियड खत्म हुआ है, ऑटोमेटिकली ये 45 और 55 बन गया है। अब आम आदमी पार्टी जब ये सरकार जब निकालेगी तो ये भी चेंज कर सकती है। ऐसे ही जिस क्राइटेरिया की हम बात कर रहे हैं वो ये है कि ये लिखा है नॉन मेडिकल, साइंस नॉन मेडिकल, आपकी डिग्री नॉन मेडिकल की नहीं है, दिस इज द कंफ्यूजन। और लेकिन आप कहाँ ठीक हो कि फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स दो सब्जेक्ट इनमें से पढ़े हो, आपने अब फिजिक्स एंड मैथ्स पढ़ा है, अब ये प्रॉब्लम है, यहाँ आप ठीक हो गए और यहाँ पर अगर नॉन मेडिकल लिखा है तो गड़बड़ हो गई है ना। एंड शुड हैव पास और क्या है बीएससी इन फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स और एनी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन, बट सर्टिफिकेट ऑफ इक्विवेलेंसी शुड बी गिवन बाय द कंसर्न्ड यूनिवर्सिटी एज पर गाइडलाइन ऑफ यूजीसी कमीशन। ये अब यूजीसी वो ग्रेजुएशन का मामला है। नेक्स्ट है आपका के शुड हैव पास्ड बीएड फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट विद साइंस। अब आपने साइंस से पास कर ली, आप एलिजिबल थे नहीं थे, वन थी, पास कर ली, आपके पास सर्टिफिकेट हो गया, आप निकल जाओगे। लेकिन अगर कोई कोर्ट केस होता है, कोई विरोध होता है, तो ऐसे केस फंस जाते हैं। अगर ये रूल नॉन मेडिकल का आप पर भी, कंप्यूटर साइंस पर भी अप्लाई होता है तो आप बच गए, आप एलिजिबल हो, आपको कुछ एडिशनल नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अनसर्टनटी तो है ना, वहाँ बीएससी कंप्यूटर साइंस नहीं लिखा हुआ, आगे मेडिकल में जो लिखा हुआ है वो भी पढ़ लेते हैं। ये एडवर्टाइजमेंट ऐसे आती है, टीजीटी की है, साइंस की मेडिकल की, ये देखिए कितनी लंबी है। शुड हैव पास बीएससी विद 45% केस, ओके ये हो गया 40% शेड्यूल्ड कास्ट, ओके ये पढ़ने की जरूरत नहीं। यहाँ हमारा मुद्दा है एनी टू सब्जेक्ट, यहाँ पर है, ये पढ़ेंगे, थोड़ा सा ऊपर ले जाएंगे इसको, एनी टू सब्जेक्ट बायोलॉजी फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, यहाँ पर मतलब ये आपने मैथ पढ़ा है और इन्होंने कहा है कि दो सब्जेक्ट पढ़े हों इनमें से, अब ये बायोलॉजी और फिजिक्स है जहाँ केमिस्ट्री एंड फिजिक्स है या केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी है, इनमें से है, ये स्कूल सब्जेक्ट हैं, जहाँ बीएससी ऑनर्स हो इन आइदर ऑफ दीज सब्जेक्ट, बीएससी लाइफ साइंस, बीएससी फिजिकल साइंस, बीएससी बायोटेक्नोलॉजी, बीएससी ऑनर, बीएससी इंडस्ट्रियल, बीएससी माइक्रो, बीएससी माइक्रोबायोलॉजी, बीएससी बायोफिजिक्स, बीएससी बायोकेमिस्ट्री, बीएससी माइक्रोबायल फूड टेक्नोलॉजी, बीएससी इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, बीएससी फूड एंड साइंस क्वालिटी कंट्रोल, बीएससी माइक्रोबायल फूड टेक्नोलॉजी और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन, बट सर्टिफिकेट ऑफ इक्विवेलेंसी शुड बी गिवन बाय द कंसर्न्ड यूनिवर्सिटी एज पर गाइडलाइंस ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। तो इसकी इंटरप्रिटेशन आप मेरे ख्याल में खुद ही कर लीजिए, बेटर है, कन्फ्यूज मत होइए, साइंस मिलती है आप ले लीजिए, बेटर है, अगर वो लगे हुए हैं तो बेटर है, उनकी गाइडेंस मेरे से बेटर है क्योंकि वो फील्ड में है। मैं ये कह रहा हूं मेरा लॉजिक क्या है, गवर्नमेंट चेंज रूल चेंज, ये है, तो हमें हायर रूल के लिए तैयार रहना चाहिए। ठीक, अगर मान लीजिए आम आदमी पार्टी की अब सरकार है तो उन्होंने ये कांग्रेस की लोएस्ट लेवल जो था ये, इससे लोअर नहीं जा सकता कुछ भी, तो अगर चेंज हो गया तो कन्फ्यूजन होगी, अगर ये रह गया तो बिल्कुल आप ठीक हो, आपको मिल जाएगी। शुड हैव पास्ड बीएड और रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी विद साइंस, तो ये आपके सामने है, इससे आप डिसीजन ले सकते हैं। मेरे ख्याल में अब कन्फ्यूजन क्या है, अनसर्टनटी है और कुछ नहीं है। अगर वो नॉन मेडिकल वाला मुद्दा ऊपर नहीं लिखा, बीएससी कंप्यूटर वाले वो चलेगा, तो आप है ना, आपको केस देखना चाहिए आपका 100% के आपकी बीएससी कंप्यूटर है, आपने कंप्यूटर साइंस फिजिक्स और मैथ पढ़ा हुआ है, ऐसा कोई केस है जो वो लगे हुए हैं और किस साल में लगे हैं, उससे क्वारी कीजिए। अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है, कोई टीचर ऐसा जानता है, तो उनको कहना कि मेरे से कॉन्टैक्ट करें, उनके साथ बात करके फिर आपको गाइड करूँगा, है ना, ऐसे हो सकता है। थैंक यू।